नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और चंद्र के कॉम्बिनेशन के बारे में। सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर अगर बना हुआ है तो वो कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह का शुभ या अशुभ फल दे सकता है। जनरली ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है, मगर कुछ परिस्थितियों में ये अशुभ फल भी दे सकता है। तो वो चीज आज आपको क्लियर हो जाएगी और साथ ही कैसे इनके शुभ फलों को प्राप्त किया सकता है उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम कुंडली के 12 ही घरों में बृहस्पति के साथ अन्य ग्रह की युति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उनके शुभ और अशुभ हालात और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्र, सूर्य क्या है, कुंडली के अंदर हमारे सभी घरों के राजा और चंद्रमा को रानी कहा गया है। साथ ही सूर्य हमारे पूरे शरीर के कारक हैं, हमारे शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है उसके कारक हैं। साथ ही सूर्य हमारे जीवन में फेम के कारक हैं। जिंदगी के अंदर हम कितना फेम प्राप्त करेंगे, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, आपका नाम कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा, अपने शहर तक होगा या दूर देश विदेश तक होगा, और साथ ही सरकार से धन प्राप्ति के योग या सरकारी नौकरी के कारक। चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, जीवन में हमारी खुशी के कारक हैं, जीवन में हमारे सुखों के कारक हैं। जीवन में आप कितना भी धन अर्जित कर लें, मगर अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश दिखाई नहीं देगा, मन में किसी न किसी प्रकार की चिंता परेशानी बनी रहेगी। साथ ही चंद्रमा हमारी माता के कारक हैं और लिक्विड कैश के कारक हैं। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन किस तरह का फल देने वाला है उसकी बात करते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी है और शुभ हालात में है तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा, ओल्ड एज जो है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। साथ ही क्या कहा गया है, जायदाद जद्दी का उम्दा फल, यानी कि उसे जद्दी जायदाद की प्राप्ति भी होगी और उसके शुभ फल देखने को मिलेंगे। साथ ही गृहस्थी आराम शांति से होगा, यानी गृहस्थी का सुख भी बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव की, फर्स्ट हाउस, जिसे लगन भाव भी कहते हैं। लगन भाव जो हमारी हैसियत के बारे में बताते हैं, साथ ही ये भी है कि अगर लगन भाव के अंदर कोई प्लैनेट है तो ऐसे व्यक्ति को किस्मत वाला कहा गया है, और अगर लगन भाव खाली है तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के किस्मत साथ नहीं लाई, यानी कि जीवन में उसे जो कुछ प्राप्त करना होता है वो संघर्ष करके, मेहनत करके ही प्राप्त करना होता है। अब लगन भाव के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको जानकारी के लिए बता दें कि काल पुरुष कुंडली क्या होती है। काल पुरुष कुंडली के अंदर आपका लगन भाव के अंदर 1 नंबर की राशि लिखी जाती है, बीच राशि लिखी जाती है और बाकी राशियां आगे इसी तरह मूव करती हैं। इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग के अंदर जहां बेसिक जानकारी दी थी उन वीडियोस में पूरी जानकारी दे रखी है कि काल पुरुष कुंडली और वैदिक ज्योतिष पर आधारित कुंडली में क्या अंतर होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित कुंडली वो होती है जो जनरली हमारे घरों में पाई जाती है, हम लोग बनवाते हैं। अब यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी राशि लिखी हुई हो, आपने यहाँ पर सूर्य और चंद्र की युति को कंसिडर करना है। अब यहाँ पर लगन के अंदर 1 नंबर की राशि आती है, यानी कि इस घर के मालिक कौन है, मंगल। साथ ही यहाँ पर 1 नंबर मेष राशि के अंदर सूर्य देव उचके हो जाते हैं। अब सूर्य किस राशि में उचके होते हैं, ये कौन से प्लैनेट किस राशि में उचके होते हैं, इसकी जानकारी भी स्टार्टिंग की वीडियो में आपको चार्ट उपलब्ध करा के दे दी गई है, तो वहां पे जाकर आप समझ सकते हैं। तो सूर्य जो है मेष राशि में उचके होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य देव उचके हो जाएंगे और चंद्रमा भी यहाँ पर शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। तो यहाँ पर सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का राजा के समान जिंदगी का मालिक होता है और आला दर्जे का ए ग्रेड ऑफिसर देखने को मिलता है। धन दौलत हर प्रकार के सुखों की ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति होती है, मगर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कब अशुभ हो जाता है उसकी बात करते हैं। कब अशुभ हो जाएगा, जब चंद्र और सूर्य के जो पक्के घर हैं उनकी जड़ में इनके शत्रु ग्रह शनि, राहु, केतु और शुक्र, जो चंद्र और सूर्य से शत्रुता रखते हैं, वो अगर बैठे हों तो इनके फलों को कमजोर कर देंगे। इनके पक्के घर कौन से हैं, चंद्रमा का पक्का घर है फोर्थ हाउस, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 4 नंबर की राशि आती है और इस घर के कारक और मालिक दोनों चंद्रमा हैं।
और सूर्य का क्या है फिफ्थ हाउस, तो फोर्थ और फिफ्थ हाउस में अगर राहु केतु शनि और शुक्र में से कोई भी बैठा है तो यहाँ पर इनके फलों में कमी देखने को मिलेगी, तो ऐसे व्यक्ति की मौत अचानक होगी। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस की बात करते हैं तो दूसरे घर के स्वामी शुक्रदेव हैं, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि आती है, दो नंबर की राशि। अब यहाँ पर शुक्र इस घर के मालिक हैं और कारक बृहस्पति। अब बृहस्पति दोनों के मित्र हैं, सूर्य के भी और चंद्रमा के भी, और इस घर पर विशेष प्रभाव रखते हैं क्योंकि ये धन भाव है। अब धन भाव परिवार वाले भाव के अंदर सूर्य और चंद्र की युति होगी तो बहुत ज्यादा सुफल देने वाली कही गई है। तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान सरकार से मान सम्मान इज्जत प्राप्त करने वाला, सरकार से धन प्राप्ति के योग, या तो वो सरकारी नौकरी करता होगा या सरकार से जुड़कर उसे किसी न किसी प्रकार के धन की प्राप्ति होगी। सरकार से इज्जत मान धन दौलत सब कुछ ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता रहेगा। मगर यहाँ पर कब ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देगा, जब ऐसा व्यक्ति महिलाओं से किसी प्रकार का वाद विवाद रखता हो या उनसे झगड़ा करता हो, तब ऐसे में ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि दूसरा घर के अंदर वृषभ राशि आती है और इस घर के मालिक शुक्र हैं। तो इस घर के मालिक से झगड़ा करके, क्योंकि शुक्र क्या है महिलाओं का कारक, तो मालिक से झगड़ा करके वहां पर आप अच्छे फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रिकॉशन क्या है, ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति को तो स्ट्रॉन्ग रखना है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखना है, केसर का तिलक लगा के मंदिर में जाके सेवा करके, पीपल की सेवा करके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखना है, और साथ ही महिलाओं से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रखना है। महिलाओं का जितना मान सम्मान करेंगे यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा सुफल देगा। इसके अलावा आपने अगर ये कॉम्बिनेशन इस हाउस में बना हुआ है तो इनके फोर्थ और फिफ्थ हाउस को भी चेक करना है कि फोर्थ और फिफ्थ हाउस के अंदर कोई भी इनका शत्रु ग्रह ना बैठा हो। इसके साथ ही आठवां घर को भी चेक करना है, क्योंकि आठवें घर से दृष्टि कहाँ जाती है सेकंड हाउस पे, आठवें घर के अंदर भी इनका कोई शत्रु ग्रह ना हो, यानी कि राहु केतु शनि और शुक्र ना हो। अगर ये होंगे तो ये यहाँ से दृष्टि द्वारा इनके फलों को खराब कर देंगे। अब बात करते हैं तीसरे घर की, तीसरे घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ भी ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है, क्योंकि तीसरे घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर तीन नंबर की राशि आती है। इस घर के मालिक बुध हैं और कारक मंगल, क्योंकि ये घर तीसरा घर किसका है साहस पराक्रम में भाई का, तो यहाँ पर इस घर पर विशेष प्रभाव मंगल का माना गया है, और मंगल इन दोनों के मित्र हैं, चंद्र के मित्र भी हैं और सूर्य के भी, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र दोनों शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, बहुत ज्यादा धन प्राप्ति के योग कराते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब बना होगा तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा धन प्राप्ति करेगा और अपने लिए उम्दा किस्मत, यानी कि अच्छी किस्मत का मालिक, अपने लिए उम्दा किस्मत मगर दूसरों के लिए मतलब परस्त, यानी कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा मतलब परस्त देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तो करना क्या है, यहाँ पर आपने छोटी कन्याएं यानी कि 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को मीठा देते रहना है, उनका आशीर्वाद लेते रहना है, उनकी सेवा करनी है, चॉकलेट टॉफी मिठाई इत्यादि देकर उन्हें खुश रखना है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सफल देगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो आपका दुर्गा माँ की पूजा करे, दुर्गा चालीसा का पाठ करे। जितना ज़्यादा वो दुर्गा माँ की पूजा करेगा और छोटी कन्याओं की आशीर्वाद लेता रहेगा, उनकी सेवा करेगा, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुफल देगा, धन प्राप्ति बहुत ज्यादा करा देगा। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस के अंदर चंद्रमा का अपना घर है, पक्का घर, इस घर के मालिक और कारक दोनों चंद्रमा है। तो चंद्रमा के घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति एक राजा महाराजा के समान जिंदगी का मालिक, चंद्रमा क्या है वाहन का कारक, तो यहाँ पर एक उच्च श्रेणी का वाहन भी ऐसे व्यक्ति के पास देखने को मिलेगा। तो हर तरह की सुख सुविधाएं, क्योंकि चौथा घर किसका है सुख का, तो ऐसे में जब फोर्थ हाउस अच्छी कंडीशन में होगा तो ऐसे में व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त कराएगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। मगर यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, एक तो फोर्थ और फिफ्थ हाउस में इनके
किसी भी कुंडली के 12 घरों में ये कॉम्बिनेशन हो, आपने फोर्थ और फिफ्थ हाउस को सबसे पहले चेक करना है कि फोर्थ और फिफ्थ हाउस में पापी ग्रह राहु केतु शनि और शुक्र न हो। अगर ये होंगे तो यहाँ पर इनके फलों को कमी कर देंगे। इसके साथ ही आपने 10th हाउस को चेक करना है। अगर 10th हाउस के अंदर भी इनके शत्रु ग्रह हैं राहु केतु शुक्र या शनि, तब ऐसे में ये कॉम्बिनेशन सुफल नहीं देगा। यहाँ पर ऐसे में ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि 10वें घर के अंदर जो शत्रु ग्रह होंगे तो यहाँ पे इनकी दृष्टि से 10वां घर खराब हो जाएगा। 10वां घर किसका है? हमारे काम धंधे का। तो काम धंधे के अंदर बार बार चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे में ये कुंडली ब्लाइंड हॉरोस्कोप कहलाएगी, अंधी कुंडली कहलाएगी। ये ग्रामर का रूल है। स्टार्टिंग की वीडियो में जब ग्रामर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे तब इसकी जानकारी दी थी। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है और यहाँ पर अगर इनके शत्रु ग्रह हैं, तब ऐसे में व्यक्ति को अंधे लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। जितना वो अंधे लोगों की सेवा करेगा उसी हिसाब से उसके काम धंधे में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर शनि बैठा हुआ है तब ऐसे में व्यक्ति की मौत अचानक होगी और दिन के समय और पानी से होगी। जनरली आप ये कह सकते हैं कि किसी नदी इत्यादि में डूब के मरने से दिन के समय ऐसे व्यक्ति की मौत देखने को मिलेगी। साथ ही आपने जब सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ हो तो एक तो अंधे लोगों को भोजन कराना है, दूसरा आपने करना क्या है, अगर पापी घरे बैठे हुए हैं तब अंधे लोगों को भोजन कराना है, अगर 10वां घर खाली है और सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में बना हुआ है, तब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को खर्च करते रहने में कंजूसताई नहीं करनी। जितना ज्यादा वो धन को खर्च करेगा उतना ज्यादा उसे धन की प्राप्ति होती जाएगी। ऐसे व्यक्ति को दूध का दान करना बहुत ज्यादा सुफल देगा। गरीब लोगों में दूध का बांटना, धर्म मंदिर में दूध दे के आना बहुत ज्यादा धन प्राप्ति के योग कराएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जब भी वो जीवन में कोई नया काम शुरू करे, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करे, तब ऐसे में 43 दिन के लिए आपका दूध और पानी मिक्स करके एक घड़े में स्थापित कर ले, कुंभ के रूप में साफ जगह में। कोशिश करें अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण में रख ले तो बहुत अच्छी बात है। एक गड्ढा ले लें, उसके अंदर आधा दूध आधा पानी भर के रख लें और 43 दिनों के लिए, और जिस दिन रखें उस दिन इसका ध्यान रख लें कि चतुर्थी, नवमी, चौदस, इन 3 तिथि में से कोई तिथि नहीं होनी चाहिए। तो 43 डेज के लिए रख लें और 43 डेज के बाद उस घड़े को जल प्रवाह कर दें। तो ऐसे में जो आप काम धंधा शुरू करेंगे उसके संबंध में आपको बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 5वें घर की बात करते हैं। 5वें घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो 5वां घर सूर्य का अपना घर है, सिंह राशि यहाँ पर आती है। तो 5वें घर के मालिक सूर्य हैं और कारक बृहस्पति देव। तो बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव वाले घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, सूर्य अपने घर में होंगे साथ ही चंद्रमा होंगे, तो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। चंद्रमा जब कुंडली में कहीं भी होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति कराएंगे। तो यहाँ पर सुख के कारक और साथ ही औलाद के घर में बैठे होंगे तो औलाद का सुख, जिंदगी भर आराम। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर आराम, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। औलाद औलाद के गर्भ में आने से शुभ समय का प्रारंभ होगा। तो ऐसे व्यक्ति के जब उसके लड़के की पैदाइश होने वाली होगी तब ऐसे में उसका शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। अब 6th हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु का। अब रोग ऋण शत्रु के घर में अब 6ठे घर की बात करते हैं। तो यहाँ पे ना तो सूर्य को शुभ माना है और ना ही चंद्रमा को शुभ माना गया है, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा के हमने सेपरेट वीडियो बनाए थे तो वहां पर सूर्य 6th हाउस की बात कर दी और चंद्रमा 6th हाउस की, तो वहां पर इन्हें शुभ नहीं माना गया था। अब ये कॉम्बिनेशन जब 6ठे घर में बना होगा तब ऐसे में, क्योंकि 6th हाउस किसका है? बुध और केतु का। तो केतु जो है दोनों के शत्रु हैं, केतु घर के कारक हैं और बुध मालिक। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों का अपना अपना फल। तो सूर्य 6th हाउस का और चंद्रमा 6th हाउस के वीडियो में जाकर आपने इनके फलों को चेक करना है। यहाँ पर दोनों का अपना अपना फल होगा। अगर दूसरा घर खाली की बात क्यों कही गई है?
क्योंकि दूसरे घर से दृष्टि का आती है आपका सिक्स हाउस पे। अब लाल किताब के अंदर जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर ग्रह दृष्टि एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से स्टार्टिंग में वीडियो बना रखी है, यहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं कि कौन से हाउस से दृष्टि कौन से हाउस पे जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस से दृष्टि जाती है सिक्स हाउस पे। तो यहाँ पर अगर दूसरा घर खाली है और सूर्य चंद्र की युति यहाँ पे है तो ये माता पिता के लिए शुभ नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति के ये युति होगी तो उसकी पैदाइश के बाद से ही कहीं ना कहीं माता पिता पे समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर दूसरे घर में पापी ग्रह हो राहु केतु शनि, जो चंद्र और सूर्य दोनों के शत्रु हैं, तब भी यहाँ पर अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, अगर ये अशुभ स्थिति देखने को मिल रही है तो यहाँ पर मंगल की मदद के द्वारा सूर्य और चंद्र के इस युति को ठीक करना है। यानी कि मीठी चीजें, कोई भी मीठी चीज आपने धर्म स्थान मंदिर में देते रहना है, इससे यहाँ पर इस युति के अशुभ फलों से बचाव हो जाएगा। अब सेवेंथ और एट्थ हाउस की बात करते हैं, तो सेवेंथ और एट्थ हाउस के अंदर आपने इनके अपने अपने फलों को कंसिडर करना है। यानी कि सूर्य सेवेंथ हाउस में अपना फल और एट्थ हाउस में अपना फल, इसी तरह चंद्रमा एट्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में अपना फल। तो वहां पर इनके वीडियोस में जाकर सूर्य सेवेंथ हाउस एट्थ हाउस, इसी तरह चंद्रमा सेवेंथ हाउस एट्थ हाउस के वीडियो में जाकर इनके फलों को चेक करना है। जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको फॉलो करके इनके शुभ फल प्राप्त कर लेने हैं। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं, तो नाइन्थ हाउस बृहस्पति का अपना घर है। इस घर के मालिक और कारक दोनों बृहस्पति हैं और दोनों सूर्य और चंद्रमा के पक्के मित्र हैं। तो यहाँ पर जब इस घर में कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसकी माता हमेशा उसकी मदद करती होंगी, और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन में कोई भी काम करे तो अपनी माँ के साथ मिलकर करता है या अपनी माँ का नाम उस काम में रखता है। तो यहाँ पर जो कोई भी वो काम करेगा उसमें उसको काफी ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में 20 साल तीर्थ यात्राओं का सुख प्राप्त होता है। यानी कि उसके जीवन में 20 साल तक तीर्थ यात्राएं बहुत देखने को मिलती है, वो तीर्थ यात्राएं बहुत करता है, जो उसके लिए काफी ज्यादा शुभ फल देने वाली कही गई है। जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ नाइन्थ हाउस में होगा तो आपने इस घर के मालिक और कारक को स्ट्रॉन्ग रखना है, यानी कि बृहस्पति को शुभ रखना है, उससे आपको और ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति को कैसे शुभ रखना है वो बृहस्पति नाइन्थ हाउस की वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं। टेंथ हाउस की बात करते हैं, अब टेंथ हाउस किसका है, शनि का, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 10 नंबर की राशि आती है। शनि का अपना पक्का घर है, शनि इस घर के मालिक भी है कारक भी है। अब यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो सूर्य और चंद्र दोनों शनि के कट्टर शत्रु हैं। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो शुभ फल नहीं देगा, यहाँ पे दोनों का अपना अपना फल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सूर्य और चंद्र के टेंथ हाउस की वीडियो में जाके इनके फलों को समझना है, कंसिडर करना है। आपने ये मान के चलना है कि यहाँ पे सूर्य अकेला बैठा है तो क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है जिससे शुभ फल प्राप्त करने हैं। इसी तरह चंद्रमा को भी अकेले मानकर उसके लिए प्रिकॉशन रेमेडी जो बताई गई है उसको फॉलो करना है और इनके शुभ फल प्राप्त कर लेने हैं। बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन शुभ फल नहीं देगा। पर 11th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन है तो 11th हाउस के लिए क्या कहा गया है, ऐसा व्यक्ति अगर नॉनवेज खाना छोड़ दे या नॉनवेज नहीं खाता हो तो ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक शुभ फल दे सकता है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा, उसकी आयु भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चाहिए अगर सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब हमने सूर्य 11th हाउस की बात करी थी तो वहां पे क्या था कि सूर्य 11th हाउस में शुभ फल दे देगा, मगर ऐसा व्यक्ति नॉनवेज खाना छोड़ दे, अगर नॉनवेज खाएगा तो उसकी औलाद पर आपका समस्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज नहीं खाना, तो यहाँ पर शुभ फल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की, 12th हाउस बृहस्पति का अपना पक्का घर है, बृहस्पति घर के कारक भी है मालिक भी है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, यहाँ पे बृहस्पति को शुभ रखना है। हालांकि 12th हाउस के अंदर सूर्य शुभ फल देते हैं, चंद्रमा को थोड़ा कमजोर माना गया है, मगर सूर्य के साथ जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो शुभ फल ही देगा।
पर चेक क्या करना है, आपने कुंडली किसी भी घर में ये कॉम्बिनेशन हो, आपने सबसे पहले चेक करना है फोर्थ और फिफ्थ हाउस को। फोर्थ और फिफ्थ हाउस के अंदर अगर पापी करे हैं तो यहाँ पे इनके फलों में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रिकॉशन रेमेडी, जिस हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है उस हाउस के लिए जो प्रिकॉशन रेमेडी इनके सेपरेट वीडियो बताई गई है वहां पे जाके चेक कर लेनी है और उसे ठीक कर लेना है। साथ ही आपने अगर ये कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है तो सेकेंड हाउस को चेक करना है, क्योंकि सेकेंड हाउस का इफेक्ट जाता है 12th हाउस पे। तो यहाँ पर एक ग्रामर का रूल है, ग्रामर के टॉपिक में करा दिया गया है, वहां जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस के अंदर अगर पापी ग्रह है राहु केतु शनि, तब ऐसे में ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देगा, दोनों ग्रह का फल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी सूर्य और चंद्र के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है तब आपने करना क्या है, एक तो सूर्य को ठीक रखने के लिए हर रविवार को बंदरों को आप गुड़ खिलाते रहें। तो यहाँ पर सूर्य कुंडली के अंदर कहीं भी हो, कैसी हालत में हो, तो वो शुभ होता चला जाएगा। साथ ही घर से निकलते समय रोजाना एक नियम बना लें कि जब आप घर से निकलें तो थोड़ा सा कुछ मीठा मुंह में डाल लें और एक घूंट पानी पी के तब घर से बाहर निकलें। इससे आपका सूर्य कुंडली में कहीं भी हो, अच्छी हालत में हो, खराब हालत में हो, तो वो ठीक होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रिकॉशन रेमेडी आप करते हैं। साथ ही चंद्रमा के लिए अपनी माता की सेवा करें, तो माता की सेवा करने से आपको यहाँ पर चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपने करना क्या है, वृद्ध औरतें जितनी भी महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं, उनकी सेवा करना चंद्रमा के फलों को काफी ज्यादा शुभ कर देगा। साथ ही चंद्रमा सूर्य कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हैं वहां पे उस घर के मालिक कारक को चेक कर लेना है, मालिक कारक को भी ठीक रखना है। और साथ ही आपने ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, कुछ चीजें आपको बता दी गई हैं, बाकी आपने जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन है उस हाउस के वीडियो में जाके आपने सूर्य और चंद्र के अलग अलग वीडियो को चेक करना है। वहां पे जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको फॉलो करके इस कॉम्बिनेशन के शुभ फल प्राप्त कर लेने हैं, दोनों को ठीक कर लेना है। दोनों ठीक हो जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। तो आज हमने बात करी सूर्य और चंद्र कुंडली के 12th हाउस के अंदर शुभ और अशुभ स्थिति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य और शुक्र की युति के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युति है क्योंकि दोनों आपस में कट्टर शत्रु हैं। अब सूर्य क्या है, आग है और शुक्र के फलों को खराब करते हैं, क्योंकि सूर्य स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, राजा हैं, और शुक्र क्या है, गृहस्थी के कारक। तो यहाँ पर औलाद में समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करते हैं। तो सूर्य शुक्र की युति कुंडली के 12 ही ग्रहों में कब शुभ फल देगी, कब अशुभ फल देगी, और कैसे उनके फलों को ठीक किया जा सकता है, कैसे उनके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।